knowledge park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Assalamu alaikum, namaskar. मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं BK News. कर्नाटका गवर्नमेंट की ओर से कैटल सिलेटर ऑर्डिनेंस 2021 जो पास किया गया है उसका विरोध करते हुए बसो कल्याण में सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल लीडर्स की ओर से प्रेस मीट करते हुए बताया कि इस कैटल सिलेटर ऑर्डिनेंस के खिलाफ कर्नाटका के रईत, दलित, मुस्लिम और खुरैश समाज की ओर से हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इसके अलावा इस प्रेस मीट में बताया गया कि ये कैटल बिल में सिर्फ गाय को रखना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गाय के साथ बैल, भैंस के अलावा ही बफलो को भी रखा गया है, जिससे किसानों और जानवर पालने वालों को इससे काफ़ी नुकसान होगा। प्रेस मीट में मुजाहिद पाशा कुरैशी, कर्नाटका स्टेट सेक्रेटरी WPI, आकाश खंडाले JDS लीडर, अर्जुन कनक क्रिश्चियन स्टेट लीडर, कासिम खान किसान लीडर, मीर तहसीन अली जमादार कांग्रेस लीडर, अजिन के मूले प्रेसिडेंट ब्रिगेडर संभाजी, इकराम खादी वाले सोशल एक्टिविस्ट, पांडुरंग पोद्दार बैनसेफ हेड, अब्दुल गफ्फार खुरैशी समाज हेड मौजूद रहे। अदे ना स्ट्रांगली खंडस्ते फस्ट आफ् आल सरकार ऐन ऑर्डिनेशन पासमी यमी बल हौस बल इलामी मेजारीटी इला मेजारीटी इद समय बिल वापस तक अद कई बीड़े बट नहीं बै फोर्स बिल पास ऑर्डिनेशन सुग्रीवाज्ञे होडसी बिल पास इंतर वो सोशल जस्टिस आगली सामाजिक न्याय मेले वो बलात्कार ना इे स्ट्रांगली अपोज सर नानू पत्रिके मुखांतर सरकार कड़तील हैदराबाद कर्नाटक भागद जन मदलेल प्राइवेट बसस खासगी बसस खासगी बस नेशनलाइज टाइम एला वर्कर् जॉब को प्रोग्राम प्लान सो नहीं बिल पास नहीं प्रोग्राम इू साको जन प्रोग्राम इू कसबंते तक बुच्चर प्रोग्राम और मुं भविष्य इत स्टापेल उपवास भिक्षे बेड़ा ऐन प्रोग्राम जनगोस्कर ऐन प्रोग्राम जॉब को सरकार सरकार जॉब सो और जीवन हे नड़ी नहीं प्लान प्रोग्राम कानून पास तरातुरी तरातुरी बरवा स्वल्प केवर्मूर एलेक्षनकोस्कर लाभ पड़ेबू दुर्देश सरकार पक्षद दुर्देश अदर प्रकार नहीं कानून कानून संविधानदे कानून अंतर्रे अब मत निम्बल मेजारीटी इला ऑर्डिनेशन पास बलात्कार तला तलांतर नड़दंत कल इवते लिडकर अंत निगम राज्य लिडकर बाबू जगजीवन राम चर्म कईगारिके निगम स्टॉप आ निगम क्लोज आ निगम के चर्म चर्मी सप्लाई आ निगम सावीरारु लक्ष गंटले जन चर्म कईगारिके चर्म कुशल कर्मी अदर मेले अवलंबित कुटुंबगळिवे आ कुटुंब एल्ली होगबेकु आ कुटुंबगळिगोस्कर नहीं प्रोग्राम सरकारदवरु बेकल्ल ऐनू प्रोग्राम स्टॉप अंतंद्रे इवरु नेक्स्ट डे ऐनु माडबेकु कुशलकर्मी चर्म कुशलकर्मी ऐनु माडबेकु बुच्चर्स नम्म कुरेशी समुदायदवरु ऐनु अवर कसुबे इदे अदे ऐनु लीगली आगि दनगळु आगलि कौ आगलि यावदे लीगल आगली लीगली तक अदे कटो कसुबे आ कसुबु कानून प्रकार इलीगल होगी एलू गूली तु कटी सेल ये जो कानून है 1964 में ऑलरेडी कानून था गो हत्या के बारे में तो गो हत्या ऑलरेडी बैन थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस सरकार ने
सिर्फ एक कम्युनिटी को पूर्व ग्रह दूषित मानसिकता से ये ऑर्डिनेंस लाया। बिल भी पास नहीं हुआ क्योंकि इनके पास संख्या बल नहीं था। इसके वजह से ये लोग अपनी खुद का सिस्टम का यूज़ करके ऑर्डिनेंस पास किए जो कि जनता के जन आधार के खिलाफ ये बात है, ये सबसे पहले बोलता हूँ। इसके ऊपर गो हत्या कानून जो ऑलरेडी प्रेजेंट था उसके बाद ऐड इन्होंने क्या किया, जो बफेलो है उसके बाद जिसको बैल बोलते हैं, जिसको महस जो हम बोलते हैं, इनका भी जो है स्लॉटर जो है इन्होंने बैन कर दिया। अब ये लोग हमको क्या कहते हैं कि सिर्फ गो हत्या के बारे में हमको बताते हैं, लेकिन कानून में इन्होंने पास जो किया है, जो ये स्लॉटर जो पहले से था उसको भी इन्होंने बैन कर दिया। अब इससे हमको ये पता चलता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत पास किया ऐसा मुद्दा है। ये मुद्दा पूर्णतः किसान विरोधी है। किसान विरोधी क्यों है आपको बताता हूँ। अगर एक किसान है उसके पास बैल रहते हैं, उसके पास मैस इसको बफेलो बोलते हैं, बफेलो रहते हैं, वो किसान जब तक जो बफेलो है, जब तक वो मैस जो है, जब तक वो दूध दे सकती है तब तक वो रख सकता है। अगर वो मेल बफेलो रहा या फीमेल रहा तो फीमेल दूध देती है उसके लिए वो रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर वो मेल अगर मैस रही तो उससे क्या है वो दूध नहीं देती, तो एक आदमी कितने साल संभाल सकता है, 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन 13 साल तक उसे ना बेच सकते हैं ना उसे कोई खरीद सकता है। इस सरकार की अगर उसको 13 साल अगर ये किसान संभालेगा तो उसको संभालने के लिए ही इसका जो प्राइस है वो क्या है, 1,00,000 के आगे जाने का संभावना है, और 13 साल को वो बेचेगा कितने को, 50,000 60,000 में। तो ये जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो डैमेज हो रहा है किसानों को, वो जो कहीं ना कहीं सरकार के उसके बारे में सोचना चाहिए था। दूसरी बात, ये लोग इस ऑर्डिनेंस में ऐसे भी बात की है कि शक के आधार पर आप किसी को भी चौकसी या किसी को पूछ सकते हैं। अब देखिए, हमने बहुत सारे अदर स्टेट में देखे, कर्नाटक स्टेट बहुत ही शांत है, इसके लिए ऐसा घटना नहीं घटी, लेकिन आप यूपी और बिहार में देखिए, सिर्फ शक के आधार पर और मांस रहने के आधार पर आप किसी को भी हमला कर सकते हैं। तो इसके ऊपर उसके खिलाफ भी क्या है, स्ट्रिक्ट ऐसे प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब क्या, आप एक जानवर दूसरी तरफ ले नहीं जा सकते, उसके पास आप खरीद नहीं सकते या बेच नहीं सकते, और वो सब करना है तो हायर अथॉरिटी को आपकी परमिशन लेना चाहिए। अगर मैं पूछता हूँ, हमारे यहाँ जो किसान है वो 8वीं 10वीं पास रहता है, उसके पास तलाटी के पास जाके डॉक्यूमेंट निकालने के लिए 104 दिन लगते हैं। अगर वो किसान अगर अपना जानवर अगर बेचना खरीदा इस प्रोसेस में 1-2 महीने लगे, तो इसके मतलब समझ सकते हैं कि कितना जुल्मकारी कानून है। तो ये किसान विरोधी कानून है। तीसरी और महत्वपूर्ण जो बात है, इस कानून में जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट भी बहुत घातक तरीके से पनिशमेंट इंप्लीमेंट किया है। ऐसा किया गया है कि आप किसी को भी शक करके पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में मतलब क्या होता है कि आप जो है लोगों को, लोगों द्वारा और लोगों के लिए किए हुए कानून है। मैं नहीं समझता ये कानून जो है लोगों के लिए है या लोगों के द्वारा किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पूर्व ग्रह दूषित मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये सरकार ने कर्नाटक में जो कि ऑलरेडी 1964 का कानून था उसको सिर्फ हमने किया ये दिखाने के लिए और अपने गिन चुने वर्ग को खुश करने के लिए, किसानों का जो पूरा ढांचा है बर्बाद करने के लिए ये कानून लाया है। मैं अजिंक्य मुळे, संभाजी ब्रिगेड तालुका अध्यक्ष, बसव कल्याण। तो बिल नहीं है, ऑर्डिनेंस है, और इसको लाने वाले है वाजूभाई वाला जो यहाँ के कर्नाटक के राज्यपाल है। और अगर इनका अगर हिस्ट्री देखा जाए तो ये पहले गुजरात के विधानसभा के अध्यक्ष थे और इससे पहले आरएसएस के स्वयंसेवक थे। तो इनका जो मेंटेलिटी है, बेसिकली ये आरएसएस है जो वहाँ से संघ परिवार से जो निकले वाले नेता है सभी। तो हमारे आनंद कुमार जैसे बोले थे कि हिंदू राष्ट्र का हमारा संकल्पना है, इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। और इसके हिसाब से अगर हम पूरा इनका अगर हिस्ट्री देखा जाए तो ये किसी धर्म को, कौन से भी बड़े दो धर्मों को लड़ाए बगैर राजनीति नहीं सफल की जा सकती। वो लॉर्ड कर्जन ने जब ये डिवाइड एंड रूल का जब बंगाल प्रांत में लाए थे, उनका जो हिस्ट्री है, तो उस हिसाब से वो जो हम हिस्ट्री देखा जाए, जो डायरेक्ट एक्शन डे जो हो गया था वो भी हिस्ट्री अगर देखा जाए, तो जो है कि किसी धर्म को उसका आस्था का प्रतीक बनाकर एक गाय को या किसी मोर को या और किसी और किसके कैटल को, ये इसका एक राजनीति के तौर से हम इसको देखते हैं कि आज समाज में ये क्या कर रही है, ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है,
ये तो है किसान की विरोधी है, सबको मालूम है, देखने के पढ़ने के बाद हमको समझता है, मगर ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक इनका पूरा एक प्लान के तहत इनका चल रहा है। ये सब जो देश में जो एक इनका पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं पॉलिटिक का, और लोगों को जितने बार हम डाइवर्ट करते रहेंगे असल मुद्दों से, तब तक हमको पॉलिटिक्स करने को नहीं हम सक्सेस हो पाएंगे समाज में। इस हिसाब से इसको भी हमको देखना चाहिए कि वजूभाई वाला जो है और इनको जो बोलते हैं, मैं इनका जो बेसिस है हिंदू राष्ट्र का, इसके बारे में मैं आपको बताने देना चाहता हूँ। ये उसके आधार पे है कि हम मनुस्मृति या वेद के आधार पे देश में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लाना चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। और इनका जो ऋग्वेद है इसमें ही लिखा है कि जानवर की चमड़ी को अंदर से लगा हुआ जो चर्बी है कैसे निकालना है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ और ऑन प्रूफ भी आपको दे सकता हूँ। और ये क्यों चर्बी कैसे निकालना है, क्योंकि गॉड ऑफ गॉड का जो इंद्र जो बोलते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, वो इंद्र को पसंद है जानवर का चर्बी, और उसको कैसे निकालना है ये ऋग्वेद में बोला गया है। और मनुस्मृति में भी ऐसी बातें बताई गई है कि वो नहीं कह सकते कि हम वेज नॉनवेज खाने वाले नहीं है, ऐसे ये ब्राह्मण भी नहीं बता सकते। इसके फैक्ट है, हमारे पास प्रूफ है, और बाय प्रूफ ही हम कह रहे हैं। और ये बोलते हैं कि ये बीफ खाने वाला गुनहगार है, ऐसा नहीं है। बीफ खाने वाले तो आप भी थे, ब्राह्मण थे ना, हम ये प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। ये ब्राह्मण भी बीफ खाते थे। ये अभी जो है ये हिंदू राष्ट्र का संकल्पना क्यों लाए है, क्योंकि जब तक दोष बड़े समाज में किसी के आधार पर, कौन से चीज़ के आधार पर, जो गाय रहने दो और कुछ मंदिर रहने दो मंदिर, इसके आधार पर जब तक डिवाइडेशन नहीं होगा तब तक ये रूल नहीं कर सकते। इसके लिए ये सब मसले अब आगे आ रही है। और ये हिंदू राष्ट्र का निर्माण जो बोल रहे हैं, ये कभी भी खुले मंच पर हमारे सामने आकर बैठकर चर्चा करके नहीं बता सकते कि हम हिंदू राष्ट्र की हमारी संकल्पना क्या है बोल के, क्योंकि इनको इनकी इतने बड़ी हिस्ट्री में अगर देखा जाए, अगर रियल हिस्ट्री, अभी तो ये हिस्ट्री भी बदलने के लिए तैयार है, हिस्ट्री नए तौर से लिखने के लिए तैयार ही है। आपको ये बताता हूँ, ये हिंदू हृदय सम्राट बोल के जो अभी सावरकर को ये सभी तरफ जो भारत रत्न पुरस्कार के लिए ये बोल रहे हैं ना, ये जो फर्स्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जब गांधी जी गए थे इंग्लैंड को, और उनके घर पर जब गए थे सावरकर के, तो सावरकर उनके किचन में जो है वो मछली पका रहे थे, मछली पका रहे थे। ये जो सच है ये कड़वा सच है, मगर ये हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बोलते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र का संकल्पना क्या है, हमको ऐसा बनाना है, ये हमारा आस्था का प्रतीक है गाय, ये आस्था का प्रतीक आपको कब से हो गया, 50 साल से होगा, 60 साल से होगा, 70 साल से होगा, इससे पहले नहीं था क्या? आपका वर्णाश्रम धर्म क्या कहता है, आपका सनातन धर्म क्या कहता है, इसके ऊपर भी हम अगर खुले दौर से अगर हम स्टडी करें, रियल हिस्ट्री पढ़े, तो इनके पूरा इनका क्या बोलते हैं वो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। इतनी झूठी और बकवासी बातें ये रोज़ टीवी से सोशल मीडिया से फैला रहे हैं कि आम आदमी को, आम जो मुस्लिम छोड़कर जो बाकी समाज है उनको ऐसा लगा कि हमारे पूरे देश के दुश्मन सिर्फ मुसलमान ही है, ऐसा नहीं है भाई। APJ अब्दुल कलाम भी मुस्लिम थे, अशफाकुल्ला खान भी मुस्लिम थे, और बहुत जो ये राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत सारे ऐसे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी मुस्लिम थे। ये जो है ये इस फैक्ट से हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट है, ये रियल हिस्ट्री है। और इस हिसाब से हम इस ऑर्डिनेंस को भी देखते हैं कि रियल इश्यू से भटकाने के लिए हमको ऐसे ऑर्डिनेंस जो है, जो RSS के संघ परिवार से निकले वाले ये वजूभाई वाला जैसे लोग ऐसे ऑर्डिनेंस लाते हैं, और हमारे जो रियल मुद्दे है इलेक्शन समाज के और जो डेमोक्रेटिक इंडिया जिसे बोलते हैं इस लोकतंत्र के, उसको छोड़कर SC हैं, क्रिश्चियन हैं, मराठा है, OBC है और लिंगायत है। आज के इस प्रेस मीट का एक मकसद ये भी है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो स्लाटर के नाम पर, काउ स्लाटर के नाम पर या प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स के नाम पर जो ऑर्डिनेंस जारी किया है, जो 5 तारीख को इशू बन चुका है और अभी तक ये जो है इम्प्लीमेंटेशन भी इसका शुरू हो चुका है। इसका मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी और खुसूसन मुसलमानों को निशाना बनाना है, क्योंकि ऐसे कानून त्रिपुरा में, मेघालय में, मणिपुर में, आसाम में, केरला में और गोवा में क्यों नहीं बनते? क्या वहाँ बीफ खाना जायज़ है? और वहाँ पर जहाँ BJP की गवर्नमेंट है,
बीजेपी का शासन है वहाँ पर ये हराम है। यही तो है, ये सब पॉलिटिकली और वोट बैंक की राजनीति है जिसमें अवाम का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर आपको इस किस्म के आर्डिनेंस के ज़रिए खवानीन बनाना था, कानून बनाना था, तो सबसे पहले बीफ एक्सपोर्ट्स को बंद करना चाहिए था, उस पर इम्तना लगाना चाहिए था, उसको बयान करना चाहिए था। आप यहाँ पर जो है एक आर्डिनेंस के ज़रिए, आर्डिनेंस के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है, एक स्टेटमेंट है कि आर्डिनेंस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के लिए बनाया जाता है। इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको दबाने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए, उनको वंचित करने के लिए ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है कानून बनाया जाता है। आपने देखा है कर्नाटक के अंदर इसको असेंबली में नापास हुआ, फिर काउंसिल में नापास हुआ, इसको चोर दरवाजे से लाने की कोशिश की गई है। और यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कर्नाटक की पब्लिक का माइंड सेटअप क्या है। मैं जो कर्नाटक स्टेट में इस बात को लेकर के एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, उसके लिए बहुत सरल और आसान उपाय ये है कि हम लोग इसको सियासी और कानूनी सतह पर जो है अगेंस्ट करके उसका हम कानूनी और सियासी सतह पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कर्नाटका ऑर्डिनेंस नंबर 1 ऑफ 2021, कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल्स ऑर्डिनेंस 2020 के अनुसार केवल काउ को नहीं रखा गया, बल्कि तमाम वो पालतू जानवर जो इंसान फार्मिंग के लिए, खेत में हल जोतने के लिए और माल लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करता था, जिनकी उम्र हो जाने के बाद, वो काम करने की ताकत नहीं रखने के बाद, दूध देने की शक्ति नहीं रखने के बाद, बच्चा देने की ताकत ना रखने के बाद, उसको बेचने और उसको ज़ुबा कर कर हलाल तरीके से खाने की इजाज़त इस दिलिस्ट का कानून हमें देता था। लेकिन कर्नाटका राज्य की बीजेपी हुकूमत ने इस कानून के तहत वो तमाम जानवरों को जो काम के लायक नहीं रहते, दूध लेने के लायक नहीं रहते, जो वज़न ले जाने और लाने के काबिल नहीं रहते, खेत में हल जोतने के काबिल नहीं रहते, उनको भी बेचने को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने पाबंदी लगाई इस कानून के तहत, जिस पर हम इसका खंडन करते हैं, जिसका हम सख्ती से विरोध करते हैं। पूरे कर्नाटका के अंदर जमीयतुल कुरैश कर्नाटका, रईत संघ, माइनॉरिटीज़, चमार और ढोर और क्रिश्चियंस मुसलमान, जो इस कर्नाटका की जो बड़ी आबादी जो नॉन वेज पर डिपेंड करती है, बीफ पर डिपेंड करती है, जो सस्ता प्रोटीन है, उसको ये एक बहुत इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक को लाभ देने वाला है, ये एक संविधान सुविधा बनी हुई थी। इस संविधा के ख़िलाफ़ ये ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक तरीके से इसको लाया गया है, इसको काउंसिल में पास नहीं करवाया गया, इसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में इसको लाना था। लेकिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी जिसके ज़रिए से ये ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। मगर ये भाजपा हुकूमत जिन्होंने ये ऑर्डिनेंस लाकर अपनी आस्था को सिर्फ गाय के तक महदूद था, इसको एक्सपैंड करके ये गाय के साथ बैल को और भैंस को और खुलगे को, जो ही बफलो है, उस तक इसको लाई गई है, जिसके ज़रिए से किसान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। अगर आस्था की बात कही जाती है तो मैं ये बात भी कह दूं कि इस ऑर्डिनेंस के तहत कुर्बानी जैसी जो ईद होगी मुसलमान, जो इस कर्नाटका के अंदर 16% की आबादी है, वो कुर्बानी के लिए बड़े जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, बैल को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इस ऑर्डिनेंस के तहत वो कुर्बानी भी नहीं दे पाएंगे। तीसरी बात साथियों, इसके लिए जो सज़ा जो रखी गई है, वो सज़ा भी ऐसी अनह्यूमन लगती है कि
एक जो जानवर के सिलसिले में जो बात रखी वो ये है कि भैंस अगर वो मादा है, फीमेल है, तो दूध देने के लिए रहेगी, उसको रखा जाता है, लेकिन अगर वो नर पैदा हो जाता है तो उसको वो 13 साल तक उसको उसका पालन करना किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो जानवरों के लिए जो दूसरी जो बड़ी तकलीफ़ की बात है कि जहाँ इंसानों को आज रोटी रोज़ी नहीं मिल रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और ये जानवरों की अगर इस तरह की कानून के नतीजे में ये का किसान को आत्महत्या का रेशो बढ़ जाएगा, किसान पर इसका बोझ बढ़ जाएगा। खाना अल्टरनेट खाना कुछ भी खाएंगे, अगर बीफ नहीं है तो कोई और दूसरा खाएंगे, मटन तो खुला रहेगा, चिकन तो खुला रहेगा, लेकिन इसका अल्टरनेट नहीं रहेगा, लिसान उसके लिए बहुत तकलीफ़ होगी। हम कुरैश कम्युनिटी जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, जो चमड़े का कारोबार करने वाले लोग हैं, जो लोग गोश्त के तिजारत करने वाले हैं, गोश्त का कारोबार करने वाले हैं, तो उनका गवर्नमेंट अल्टरनेट क्या सुविधा करती है, ये बात भी हमारे लिए चिंताजनक है कि यहाँ इनके लिए कोई दूसरा इंटरनेट नहीं है। और एक चीज़ जिस इस बिल के अनुसार, इस आर्डिनेंस के तहत जो बात कही गई है वो ये है कि कोई व्यक्ति, इसके सेक्शन 4 में जो बात रखी गई है कि ये पाबंदी लगा दी गई है इसके तहत कि बेचने वाला, खरीदने वाला, बेचने के लिए वजह बनने वाला सब इसमें मुजरिम है। सब लोगों को 3 साल से लेकर 7 साल की सज़ा और 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए का फाइन, ये इतना ही बहुत ही ये गलत लगता है। ये इंसानों के लिए, इंसानी जान के लिए, इंसानी सोसाइटी के, समाज के लिए बहुत ही ये काला कानून है, बहुत ही गलत कानून है, जो अनह्यूमन लगता है, गैर इंसानी लगता है। इस आर्डिनेंस का एक और जो पहलू है जिसके अंदर इसमें सेक्शन 4 के तहत एक जो बात रखी गई है कि वो बात यह है कि 17 में, सेक्शन 17 में जो लिए प्रोटेक्शन ऑफ पर्संस एक्टिंग इन गुड फेथ, एक्टिंग इन गुड फेथ से मुराद वो जो लोग जो किसी का भी माल छीनने वाले, रास्ते से चलने वाली गाड़ियों में से हो या किसी के घर में से हो, वो जानवर छीन के ले जाने वाले लोग हैं, या किसी को शक की बुनियाद पर उसको जो जानवर ये स्लॉटरिंग के लिए ले जा रहा है ये कहकर जो लोग जो काम करेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे, या उन पर पथराव करेंगे, या उनको मारतोड़ करेंगे, या उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती करेंगे, तो इस ऑर्डिनेंस के तहत इनको क्या कहा गया कि उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इस क्या गुड फेथ का मतलब ये है कि टोटली गुंडा एलिमेंट को, अनसोशल एलिमेंट को इस तरह के क्राइम करने के लिए लोगों को खुली छूट दी जाए, और इस तरह के काम से लॉ एंड ऑर्डर का लॉलेसनेस जो था वो ख़त्म हो जाएगा। एक आखिरी बात जो इस आर्डिनेंस के जरिए से अब मैं आपको बतला देना चाहता हूँ वो ये है कि इसके ज़रिए से कोई आदमी भी जो हाई रैंक एंड PSPSI के लेवल का, इंस्पेक्टर लेवल का और वेटरनरी ऑफिसर, किसी के घर की भी तलाशी ले सकता है, किसी के घर में भी घुसकर उसको चेक कर सकता है, किसी के घर में भी जो है वो पहुंचकर वो के बीफ है सर्च कर सकता है, तो उसके लिए इसको अलाउ किया गया है। एक आखिरी बात जो थी इसके लिए कि इस बिल के खिलाफ ये पूरे कर्नाटका के अंदर रईत और दूसरे दलित और मुस्लिम्स और कुरैश समाज के लोग मिलकर इसको हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी कर रहे हैं, और इसके लिए PIL वगैरह डाला जा रहा है। इससे मॉब लिंचिंग करने वालों को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी कि वो खुलेआम मॉब लिंचिंग करें। आपने बिल्कुल, इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि जब इसको अलाउ किया गया है तो ये 100 ने जो बात मैंने कहा कि गुड फेथ के अंदर किया जाने वाला हर काम उनके लिए जायज़ करार दिया जा रहा है, तो इस तरह से इस काम को भी ये बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, उसको सपोर्ट मिलेगा। PSI कैडर, जैसे कि पता बताया आपने कि PSI कैडर या फिर एनिमल हस्बेंड्री के जो भी डॉक्टर्स रहेंगे वो कभी भी आके अपने घर, किसी के घर में भी जांच कर सकते हैं, उसके लिए सर्च वारंट इशू करेंगे? नहीं, इसको सर्च वारंट के इसके लिए इस लॉ के तहत वारंट की भी जरूरत नहीं, इट इज डायरेक्टली इट इज अलाउड डायरेक्टली शक की बुनियाद, बस सर्च करने के लिए। अगर किसी को किसी के पर अपना गुस्सा निकालना है, किसी से बदला निकालना है, बस वो कह दे कि ये इसके घर पे एक मैंने बीफ देखा है, तो क्या इसके पर भी कार्रवाई होगी? वो तो अब ऑफिसर पे डिपेंड करता है, लॉ तो अलाउ कर रहा है, शक की बुनियाद लिखा है, वर्ड है फेथ का, लफ्ज़ बता रहा हूँ, इसमें फेथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऑन बेस ऑफ द फेथ
इसको अगर सर्च करने के लिए बात कही जा रही है तो उसके अंदर लीगली एक्शन लेना होता है तो उसके लिए प्रूफ मांगा जाता है कि यहां पे प्रूफ की कोई गुंजाइश है कि सिर्फ शक की बुनियाद शक की गुंजाइश पर शक भी शक में शक के दायरे में सब कुछ किया जा सकता है। अगर कहीं बीफ या फिर कुछ और भी गोश्त मिलता है यहां पे तो उस पे क्या फॉरेंसिक पे जांच हो गई या फिर डायरेक्ट उसको सजा मिलेगी? देखो रोड पे पहली बात है ये लोग हमला करेंगे और उसको जांच होने तक 7-8 दिन देने के बाद उसको किसका ये करेंगे या दोषी करार देंगे? इसकी एग्जांपल है पहलू खान जो है मिल्क डेयरी का एक आदमी जो था मिल्क डेयरी गाय लेके जा रहा था गाड़ी में रख के ले जा रहा था राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर, लेकिन जब उसको ये बात शक आई तो उसके ज़रिए से उनको पीट पीट के मार दिया गया जबकि वो जानवर अपने दूध डेयरी के लिए ले जा रहा था वो उसके अंदर। तो इसमें लोगों को जो अनसोशल एलिमेंट्स को इस तरह के काम करने का पूरा पूरा मौका मिलता है। तो गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा है कि बिल को वापस लिया जाए। काऊ को छोड़कर ये बात स्पष्ट कर देता हूँ ज़्यादा कि काऊ के बारे में हमारा कोई आपत्ति नहीं है कि काऊ का रिस्पेक्ट है, काऊ का रिस्पेक्ट हम करेंगे, काऊ के सिलसिले में गवर्नमेंट की जो सज़ा जो पाबंदी लगती है लगा दी जाए, लेकिन काऊ को छोड़कर बुल एंड बलक और बफेलो पर जिस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए वो विड्रॉल करना चाहिए और उसकी जो सज़ा पर जो तरह के जो अलाउ किया है राइट्स दिए उसको जो है वापस लेना चाहिए। अगर ये नहीं है तो गवर्नमेंट खुद जो है हमारे जानवर खरीदे और कुरैश कम्युनिटी को या कम्युनिटी को ये अल्टरनेट बिजनेस की सुविधा प्राप्त की जाए। जहाँ तक ईद-उल-ज़ुहा के टाइम जानवर कुर्बान दिए थे तो वहीं पे बलि के नाम पर ये बलि के लिए भी अलाउ नहीं है ना किसी किस्म का रिलीजन, चाहे वो कुर्बानी हो चाहे वो बलि के लिए हो, कहीं से भी इसको अलाउ नहीं है। क्योंकि इस वक्त इस गवर्नमेंट को हम देख रहे हैं कि NRC और CA के तहत इतना प्रोटेस्ट किया गया है तभी इसने नहीं दिया। फार्मर जो है किसान जो है वहाँ पर बॉर्डर पर तकरीबन 35 दिन से वहाँ पर खड़े हैं सर्दी के अंदर, उस पर भी कोई वो हुकूमत कोई अपना पेशरफ नहीं कर रही। बहुत ही जो है टेक्निकल अंदाज में बहुत ही अच्छे अंदाज से इंटेलेक्चुअल के ज़रिए से हम ये काम करेंगे क्योंकि इसको पोलराइजेशन करने की बात कही जा रही है कि किसी हिंदू और मुसलमान को आपस में खड़ा कर देने की बात कही जाते हैं। हम इसको नहीं चाहेंगे। इस बिल के तहत हमारे प्रोटेस्ट में हम जो एक बात चाहते हैं हिंदू मुसलमान की तरफ आपस में लड़ाई टकराव की बात ना होने पाए क्योंकि वी आर लिविंग इन ए प्लूरल सोसाइटी, वी हैव टू रिस्पेक्ट वन एंड अनदर। तो